Press subscribe and click bell icon for latest updates of Ocean Life Pakistan. चलें जी आज देखते हैं कि ये एक्वेरियम जो है कैसे तैयार होता है। तो ये देखें, ये बॉटम बॉटम एरिया है, उसका बॉटम वाला शीशा है जिसके ऊपर जो है सिलिकॉन की जो है वो लेयर लगाई जा रही है। छोटी साइड पकड़े जी, ये सिलिकॉन लग रही है इसके ऊपर, और ये लंबाई जो है इसकी ये 4 फुट है और हाइट इसकी 1.5 फुट है, और जो इसकी ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये 1 फुट है। सिलिकॉन लगी हुई है सारी, अभी सिलिकॉन लगी इसमें। अच्छा, ये इसका जो फ्रंट कह लें या बैक कह लें, ये जुड़ने लगा है। ये देखिए, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि इसकी जो लंबाई है एक्वेरियम की ये 4 फुट है, हाइट जो है ऑलमोस्ट 1.5 फुट है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 1 फुट की है। ये जो चौड़ाई है ये पूरी 1 फुट है ना वैसे? जो सिलिकॉन होती है इसकी स्मेल जो होती है ना बड़ी, यानी कुछ अजीब वगैरह से, कुछ नाक को चुभने वाली कुछ अजीब सी मिर्ची सी, यानी कि अगर ये लोग चाहें तो इसमें कुछ अच्छा कोई इसका वो भी फ्लेवर टाइप भी डाल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतनी इसकी चुभने वाली वो बनाई हुई होती है। ये देखिए, ये साइड में सिलिकॉन लग गई है, ये सारी सिलिकॉन लग गई है, और ये 4 फुट का एक्वेरियम तैयार हो रहा है। इंतहाई ये चुभने वाली और बड़ी अजीब वगरीब थी, जिस तरह कुछ रबड़ जैसी महसूस होती है, कुछ अजीब वगरीब इसकी स्मेल है सिलिकॉन की। तो वकार भाई, ये वैसे जो जिस तरह आप ये शीशा जोड़ रहे हैं सिलिकॉन से, तो ये कितनी देर में जो ये ग्रिप कर जाता है, यानी कि कितने टाइम फ्रेम में? घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे? 4 से 5 घंटे लगेंगे। 4 से 5 घंटे लगेंगे, 4 से 5 घंटे में ये ग्रिप कर जाएगा अपनी? बिल्कुल। ठीक है,
ये इंटरनल साइड से फीलिंग हो रही है इसलिए। ये इस वजह से होती है ताकि लीकेज वगैरह को कोई शक ना बाकी रहे, सारा मामला इसी पे खत्म होता है आगे। जी तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये कैसे एक्वेरियम तैयार हो रहा है आपके सामने, कि किस तरह इन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच नीचे बॉटम वाला हिस्सा रखा और फिर जो है वो इसका शीशा खड़ा किया इन्होंने। चार फुट लंबाई, डेढ़ फुट इसकी हाइट और एक फुट चौड़ाई, ये बड़े साइज़ का एक्वेरियम है और ये हर किसी के बस का काम भी नहीं है कि हर कोई बंदा जो है इसको तैयार कर सके। इसमें सबसे बड़ा इशू जो होता है वो लीकेज का होता है। अगर ये आप इसमें थोड़ी सी भी कोई कोताही बरतेंगे फिलिंग के दौरान, तो ये जो है ये लीक हो जाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि आपकी सारी मेहनत और आपका सारा पैसा जाया जाएगा। तो ये काम जो है एक्सपर्ट लोगों का काम होता है। बड़े साइज़ के एक्वेरियम, छोटे साइज़ के एक्वेरियम तो कोई भी जोड़ सकता है, एक फुट का हो गया या एक फुट से कम का भी हो गया तो वो तो कोई भी बना सकता है छोटा एक्वेरियम, लेकिन बड़े साइज़ के एक्वेरियम बनाना जो है एक्सपर्ट लेवल का काम है। अच्छा, जिस जगह पे शीशा रखना होता है या शीशा जोड़ना होता है उस जगह पे, उस पॉइंट पे सिलिकॉन लगाई जाती है? बिल्कुल ऐसी है, उसे आगे पीछे नहीं लगाई जाती। कहीं से बाहर तो नहीं निकला वहाँ? ये फीलिंग हो रही है जी। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से शीशा जो है वो जोड़ के एक्वेरियम तैयार किया गया है और ये जो हैं
गुजरांवाला में शॉप है ये मलिक फ़िश एक्वेरियम के नाम से, मलिक फ़िश शॉप के नाम से। अगर आपने भी जो है आप इंटरेस्टेड हैं अपना एक्वेरियम बनवाने में, या एक्वेरियम अगर उसमें कोई मसला आ गया, कोई उसको आपने रिपेयर करवाना है, तो वो आप जो है वो इनसे रابطہ कर सकते हैं, मलिक फ़िश शॉप गुजरांवाला में। मैं आपको इस वीडियो में जो है इनका जो है वो एड्रेस भी अभी शेयर कर दूंगा इनकी शॉप का, तो लिहाजा आप जो है इनके पास विज़िट करके तो आप विज़िट करके जो भी आपने एक्वेरियम बनवाना है या एक्वेरियम रिपेयर करवाना है तो वो आप मलिक फ़िश शॉप से आप करवा सकते हैं। तो जब भी आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये जुड़ गया हुआ है, इस सारे को जोड़ लिया है, 4 फीट का एक्वेरियम। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको जो है वो खुश्क होने में, तकरीबन 3 से 4 घंटे दरकार होंगे इसकी सिलिकॉन को सूखने में और इसका ये सारा जो है वो पक्का होने में शीशा। अच्छा जी, तो ये देखें ये पूरा का पूरा तैयार हो चुका हुआ है और इसमें हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे इसकी डेकोरेशन वगैरह, इसकी डेकोरेशन कैसे करनी है और कैसे की जानी चाहिए इसकी डेकोरेशन। तो लिहाजा अब आप हमें इजाज़त दें, ओशन लाइफ पाकिस्तान चैनल से मैं इजाज़त चाहूँगा, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो जी इजाज़त दें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।